आंटीज होम किचन। जैसे कि हम सबको पता है कि अमृतसरी कुलचा एक वर्ल्ड फेमस रेसिपी है, तो आज मैं कोशिश कर रही हूँ कि पंजाब का वही फ्लेवर, अमृतसर का वही स्वाद आपके साथ शेयर कर सकूं। और आज मैं तवे पर बनाऊंगी अमृतसरी कुलचा। तो फ्रेंड्स, आप भी एक बार जरूर ट्राई कीजिए और एंजॉय कीजिए। अमृतसरी कुलचा बनाने के लिए मैं लूंगी 2 कप मैदा, 1/2 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच चीनी, 1/2 चम्मच बेकिंग पाउडर, पंजाबी डिश हो और उसमें देसी घी न डले, ये कैसे हो सकता है। तो चलिए मैं इसमें डालती हूँ 3 टेबलस्पून देसी घी। अब इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स करते हैं। इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें मैं डाल रही हूँ 1/4 कप दही, 5 से 6 मिनट तक इसी तरह मसलेंगे, जिससे अमृतसरी कुलचे बहुत ही अच्छे बनेंगे। अब डो को एक रोलिंग बोर्ड पर निकाल लेते हैं। अब इसे बेल लेते हैं। इस पर 1 टेबलस्पून घी डालकर इसे फैला लेते हैं। इस पर थोड़ा सूखा मैदा डस्ट करते हैं। अब इसे इस तरह से रोल करेंगे। अब इसे 1/2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। जब तक हमारा डो सेट हो रहा है, तब तक हम कुलचे के लिए फिलिंग रेडी कर लेते हैं। फिलिंग के लिए मैंने 4 मीडियम साइज आलू लिए हैं, जिन्हें मैंने बॉईल करने के बाद मैश कर लिया है। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 बारीक कटा हुआ प्याज, 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, थोड़ी सी बारीक कटी हुई अदरक, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी, 1 चम्मच काला नमक, 1/2 चम्मच लाल मिर्च, 1/2 चम्मच नमक, 1 चम्मच साबुत धनिया, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच आमचूर पाउडर, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच अनारदाना, 1/2 चम्मच गरम मसाला और लास्ट में 1 चम्मच धनिया पाउडर। आप इन सब मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे। फिलिंग रेडी है, चलिए एक बार डो चेक कर लेते हैं। ये देखिए डो बिल्कुल रेडी है। अब इसे
चार इक्वल पोर्शंस में डिवाइड कर लेते हैं। फ्रेंड्स, इसको रोल करने का पर्पस ये था कि हमें इस तरह से इसकी लेयर्स रेडी करनी थी, क्योंकि ये लेयर्स अमृतसरी कुलचे की एक स्पेशल क्वालिटी मानी जाती है। चलिए अब इसमें फिलिंग करते हैं। अब इसमें आलू स्टफ करके इसे बंद कर देते हैं। ये देखिए बॉल रेडी है और अब इसे बेल लेते हैं। अब इस पर थोड़ा सा पानी लगाते हैं और थोड़ा सा हरा धनिया लगाते हैं। अब इसे हल्के हाथों से प्रेस करने के बाद बेल लेंगे। अब हम तवे को अच्छे से गर्म करेंगे। अब इसकी दूसरी तरफ पानी लगाकर इसे तवे पर लगाएंगे। अब इसकी साइड चेंज कर लेते हैं। अब इसकी दूसरी साइड भी चेक कर लेते हैं। अब इसे डायरेक्ट फ्लेम पे हीट लगाएंगे। इसकी चारों साइड्स को भी अच्छे से हीट लगवाएंगे और इसके बाद इसे दोबारा तवे पर रख देंगे। कुलचा रेडी है और अब इसे प्लेट पर निकाल लेते हैं। अब इस पर बटर लगाते हैं। अब इस थाली में कुलचों को सर्व करेंगे। सबसे पहले मैं डाल रही हूँ इमली और प्याज की खट्टी और स्पाइसी चटनी। फिर मैं डालूंगी चने। मैंने ये चने अमृतसरी स्टाइल में ही बनाए हैं। अब मैं इस पर डालूंगी अचार। इस पर डालूंगी मैं मिर्च और थोड़ा सा हरा धनिया। अब इस पर रखते हैं अमृतसरी कुलचे। मुझे तो इसे देखकर ही भूख लगी है और मैं इसे खाने वाली हूँ। आप भी इसे बनाइए और एंजॉय कीजिए। मजा आ